नमस्कार, स्वागत है आपका फिल्में बीट में। आपके साथ मैं हूं दीपिका नयाल। इन दिनों बॉलीवुड की कई बड़ी फिल्मों को लेकर चर्चाएं चल रही हैं। इन्हीं में से एक है आमिर खान अमिताभ बच्चन की आने वाली फिल्म ठग्स ऑफ हिंदुस्तान, जिसका हाल ही में ट्रेलर रिलीज हुआ है। ट्रेलर रिलीज के बाद ये फिल्म जबरदस्त सुर्खियों में बनी हुई है। आमिर और अमिताभ बच्चन की इस फिल्म को 2018 की सबसे महंगी फिल्म बताया जा रहा है। हाल ही में इस फिल्म को लेकर आमिर खान और अमिताभ बच्चन के बीच अनबन की खबरें भी सामने आई थी। बताया जा रहा था कि ठग्स ऑफ हिंदुस्तान के क्लाइमेक्स को लेकर दोनों सुपरस्टार्स के बीच ठन गई थी। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो क्लाइमेक्स में आमिर खान और अमिताभ बच्चन में से किसी एक को मरना था। ऐसे में आमिर खान और अमिताभ बच्चन दोनों चाह रहे थे कि उनका किरदार मरे। इसी बात को लेकर कई घंटों तक लंबी चौड़ी बहस चली और बाद में पता चला कि आमिर खान इस लड़ाई को जीत गए हैं। जी हाँ, इस फिल्म के क्लाइमेक्स में आमिर खान की मौत हो जाएगी। बताया जा रहा है कि फिल्म के क्लाइमेक्स से अमिताभ बच्चन खुश नहीं है और दोनों के बीच तनातनी भी चल रही है। दरअसल इस फिल्म के अंत में जो किरदार मरेगा वो ऑडियंस पर ज्यादा असर छोड़ेगा। यही वजह है कि आमिर खान और अमिताभ बच्चन दोनों ही अपने किरदार को मारना चाहते थे। बातचीत के बाद ये सॉल्यूशन निकला कि आमिर खान के किरदार की फिल्म में मौत हो जाएगी। जी हाँ, आमिर खान के किरदार की फिल्म के अंत में मौत हो जाएगी, यानी कि आमिर खान फैंस पर गहरा असर डालने वाले हैं। आपको बता दें कि विजय कृष्णा आचार्य के निर्देशन में बनी ये फिल्म साल 1795 की कहानी है, जब अंग्रेजों ने भारत में डेरा जमा लिया था। इस फिल्म में आपको फातिमा सना शेख और कटरीना कैफ भी दिखाई देगी और दोनों का रोल फिल्म में काफी दमदार बताया जा रहा है। खैर, हमारे इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन बाकी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।